हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। तो प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में गृहमंत्री ने कहा कि भारत विविध भाषाओं का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है।